मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी अंतिम चरणों में, राजभवन में हलचल लगातार तेज हो रही है और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से अधिकारियों को लाइनअप किया जा रहा है और तमाम अधिकारियों को अपने अपने ड्यूटी समझाई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैबिनेट की जो पहली सूची आ रही है, संभावित सूची आ रही है, उसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, ऐदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, संपत्तिया उइके, उदय प्रताप सिंह, उनके अलावा निर्मला भुरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, राकेश शुक्ला, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जो राज्य मंत्री के स्वतंत्र प्रभार के रूप में कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, गौतम टेटवाल, लखन पटेल, नारायण पवार का नाम आ रहा है। राज्य मंत्री की बात करें तो राधा सिंह, प्रतिमा बागरी, दिलीप अहिरवार, नरेंद्र पटेल के नाम सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सूची है, इस सूची में जो शिवराज सरकार में कई ऐसे बड़े नाम थे जिन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया है। इनमें यदि हम बात करें तो जो शिवराज सिंह चौहान है, उनके जो करीबी हैं, जो भूपेंद्र सिंह, उन्हें सूची से बाहर किया गया है। जो बिसाऊलाल साहू है वो इस बार नहीं बन पा रहा है। मीना सिंह, उषा ठाकुर, ब्रजेंद्र सिंह यादव, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह और हरदीप सिंह डंग, ये जो मंत्री थे, ये शिवराज सरकार में मंत्री थे, लेकिन फिलहाल जो सूची सामने आ रही है उनमें इन सभी मंत्रियों के जो पूर्व मंत्री हैं इनके नाम बाहर हैं। नए चेहरों को मौका मिला है। ऐसे 11 मंत्री हैं जो जिन्हें दोबारा मौका मिला, जो शिवराज सरकार में भी मंत्री थे, लेकिन कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इस सूची से फिलहाल बाहर है। राजभवन में शपथ की तैयारियां हो गई है, तमाम इंतजाम हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही ये शपथ विधि समारोह संपन्न होगा, उसके बाद विधायकों के बंगलों पर जो मंत्री बने हैं वहाँ पर मिठाइयाँ बांटी की जाएगी और उनके समर्थक काफ़ी उत्साहित है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, भोपाल।